रोजगार नहीं दिया जा सकता, यानी स्पष्ट है कि बिहार में ये जितने डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन, इसमें भी फेरबदल होगा बहुत तरीके से, क्योंकि भर्तियां होंगी तो आप लोगों के ही काम में लगेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा पुलिस कर्मी अगर ज्यादा होंगे, अस्पताल में डॉक्टर होंगे तो अच्छे से इलाज हो पाएगा, नर्सेज होंगे तो देखभाल हो पाएगा, प्रोफेसर और टीचर होंगे तो अच्छे से पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन नीतीश जी कहते हैं हो ही नहीं सकता, यानी साफ तौर पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम कोई रोजगार का सृजन नहीं करेंगे, बैकलॉग को नहीं भरेंगे। पैसा होते हुए भी उन्होंने खर्च नहीं किया, जोर तोर की राजनीति। लॉक स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, फैलाव करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि पंजाब हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है, वो भी जमीन से घिरा हुआ है। अब बिहार से कई गुना छोटा राज्य है, लेकिन बिहार के लोग वहाँ जाकर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। क्यों नीतीश जी, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने मढ़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में कारखाना देने का काम किया, तब तो बिहार में समुद्र नहीं था। तो इस बात को हम फिर दोहराना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं और बिहार उनसे संभल नहीं रहा, मैनेजमेंट करना चाहिए था। अब देखिएगा, पिछले कई सालों में मौजूदा एनडीए सरकार ने नौकरियां दी नहीं बल्कि छीनने का काम किया है, दी नहीं गई बल्कि छीनने का उन्होंने काम किया है, नौकरियों के अवसरों में को समाप्त करने का काम किया, और हम नौकरियां देने और निजीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने का काम करेंगे। हम नौकरियां भी देंगे, और एक परंपरा जो चलती आई है केंद्र सरकार की कि हर चीज जो है प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, निजीकरण कर दिया जा रहा है। एक सेक्टर कृषि का बचा था, एग्रीकल्चर का बचा था, उसको भी जो है इन लोगों ने छोड़ा नहीं बल्कि प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो हमारी सरकार बनेगी तो निजीकरण को खत्म करके नौकरियां जो हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम करेंगे। तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया, अभी तत्काल जो है 10 लाख पदों को भरा जा सकता है, जिनकी रिक्तियां वर्षों से भरी नहीं गई हैं, और समय सीमा के अंतर्गत इन सारे काम को जो है हम लोग पूरा करेंगे। एक खास बात ये भी आता है कि सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरी के बहुत स्पष्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, मानक गुणक प्रभाव होता है। अगर आप सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरी के बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स मतलब मानक गुणक प्रभाव, यानी सरकारी नौकरी मिलेगी तो लोग यहीं रहेंगे, बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही पैसा खर्च करेंगे, बाजार जाएंगे तो बिहार में ही पैसा खर्च करेंगे। इससे जो हमारे व्यवसायिक हैं, व्यापारी हैं, उनको लाभ पहुंचेगा, यानी बिहार का पैसा बिहार में ही घूमेगा। इससे हम लोगों को, सरकार को भी रेवेन्यू और राजस्व का इसमें फायदा होगा। इसलिए सरकारी नौकरी के मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। हमारी प्राथमिकता नौकरी के साथ साथ स्थायित्व है। अब नीतीश जी का आप लोगों ने देखा, 4 साल में 4 सरकार, जो सरकार खुद स्थिर नहीं है वो नौकरियां कहां से दे सकती है, वो विकास कहां से कर सकती है। आज 1 साल उस पार्टी के साथ, 2 साल उस पार्टी के साथ, फिर 2 साल किसी और के साथ, कोई गारंटी नहीं कब किधर क्या हो जाए। इसलिए हमारी अगर सरकार बनती है तो हम लोग स्थायी सरकार देने का काम करेंगे, और खास तौर पे जो नियोजित शिक्षकों की जो स्थायी कर उनको सम्मान काम सम्मान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। जो सम्मान काम सम्मान वेतन की जो नीति है,
उस पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो आप देखिएगा, इन सभी लोगों को जो आप वेतन भुगतान करते हैं, वे आय प्राप्त करेंगे, फिर बाजार जाएंगे, खर्च होगा, ये तरह तरह का इससे हमको फायदा होगा, ये डिपार्टमेंट्स बेहतर होंगे। और खास तौर पे जितने भी हमारे कार्यपालक सहायक हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी स्वयं सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार किया जाएगा। और इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिका रसोई कर्मी के मौजूद मानदेय को दुगुना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन और नौकरी उपलब्ध हमारी सरकार कराने जा रही है, हम लोग कराएंगे। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी है, जो नियोजन शब्द को हम लोग खत्म करके स्थायी नौकरी, हम लोग सारी चीजों को व्यवस्था करेंगे। राज्य के मूल निवासी युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थायी नीति लागू करते हुए कम से कम 85% रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी और उनके लिए सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के फॉर्म निशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। अभी क्या है, जो भी सरकारी नौकरियां मिलती हैं, कोई दूसरे राज्य से आकर के हमारे यहाँ नौकरी ले जाता है, लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाओ, झारखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, अब तो सारे राज्य जो हैं एक एक करके डोमिसाइल कानून को लागू कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी कहा था, आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, कई बार नीतीश जी को जब हम लोग 18 महीने सरकार में थे तो हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि होगा होगा होगा, लेकिन क्या हुआ वो तो जनादेश का अपमान करके चले गए। सबको विश्वासघात उन्होंने किया, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के लोगों का बिहार सरकार में नौकरियों में अधिकार, जो रिजर्वेशन होगा, स्थानीय रिजर्वेशन, वो 85% की जाएगी। और जब नौकरी के फॉर्म्स निकलेंगे, यानी 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई है और 10 तारीख को 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो जो फॉर्म निकलेंगे, उस फॉर्म का जो फॉर्म फीस होता है उसको हम लोग माफ़ करेंगे, फॉर्म फीस नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो किराया लगता है परीक्षा केंद्र में जाने का, उन सभी को भाड़ा देने की जरूरत नहीं, वो सरकार उसकी व्यवस्था, महागठबंधन की सरकार उसकी व्यवस्था हम लोग जो है कराएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, बीपीएससी की लेट लतीफ़ी, बीपीएससी में कोई रिजल्ट समय पे नहीं होता, परीक्षा नहीं हो पाता, सालों सालों तक लोग जा रहे हैं। अब तो नौजवान बीपीएससी के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया 2014 का परीक्षा का रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो नीतीश जी ने, बीजेपी की सरकार ने लाठी मरवाने का काम किया। जो लेट लतीफ़ी है उसको दूर करने के साथ सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के युवाओं की उम्र की सीमा बढ़ाई जाएगी। जो समय बर्बाद करता है बीपीएससी लेट लतीफ़ी में, इससे तो कानून है ना भैया, इसने को इस उम्र के लोगों को, इतने के इतने बीच के उम्र के लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर लेट लतीफ़ी बीपीएससी है तो भाई मेरा बिहार का मेरा भाई नौजवान क्यों भुगतेगा,
तो जो भी हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं या आरक्षित वर्ग के लोग हैं उसमें जो है उन युवाओं की उम्र सीमा हमारी सरकार जो है बढ़ाने का काम करेगी, बढ़ाई जाएगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि तैयारी में, कंपटीशन में कितना खर्च होता है। गरीब परिवार के लोग दिन रात तैयारी करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाने में अपना पेट काट करके पालते हैं, सोचते हैं कि भैया नौकरी लग जाएगी तो बुढ़ापा में सहारा बन जाएगा, और अगर बीपीएससी समय पे कोई काम ना करे तो उन नौजवान भाई जो इतने सालों से मेहनत करते रहे और जो उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, कितनी आशा भरी उम्मीद जो है कि बेटा जो है परीक्षा देगा, नौकरी लगेगी, कितना ठेस पहुंचता होगा, कितना दर्द होता होगा, कितना चुभता होगा, उसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। वो नौजवान जानते हैं, वो उनका परिवार जानता है। इसलिए हमारी सरकार बनती है तो ये काम सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के जितने युवा हैं उनकी उम्र की सीमा को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन जीविका दीदी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका और मध्यावन जो भोजन रसोड़ा रसोइया जैसे साथियों के मानदेय को लगभग 2 से 3 गुना हम लोग जो है बढ़ोतरी करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम ज़्यादा कुछ और नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से ये स्पष्ट है। और जो लोग सवाल पूछा करते थे उनको मेरे ख्याल से जवाब मिल गया है। जब चांद पे आदमी चला जा रहा है तो बिहार में कारखाना और सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से बिहार को 15 साल बर्बाद करने का काम किया, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार जो कल मतदान करने जा रही है वो जात पात छोड़ करके धर्म की जो राजनीति करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, बिहार की जनता मुद्दे पे खड़े होकर के रोटी, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, गरीबी, भुखमरी, किसान, मजदूर, इन सभी विषयों पर मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार फिर से देश को दिशा और दशा दिखाने का ही नहीं काम करेगी, बल्कि यह लड़ाई, लोग पूछते हैं मीडिया के भाई कि नीतीश जी की तेजस्वी की लड़ाई है, ये लड़ाई मोदी जी और लालू जी की लड़ाई है। मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है ये सरकार बनाम जनता है, और इस लड़ाई में हम लोग जनता के साथ खड़े हैं और जनता का जीत होना तय है। तो जितने भी हमारे पत्रकार भाई यहाँ उपस्थित हुए और जितने भी हमारे फेसबुक पे या सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सुधारने के लिए मत का प्रयोग करेंगे, बेहतरी के लिए करेंगे। लेकिन कुछ लोग लगे पड़े हैं कि जात पात हो जाए, कुछ लोग लगे पड़े हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जाए। इन सब चीज़ों से अलग उठ करके बिहार को महान बनाना है, आगे ले जाना है। और हमने तो पहले भी कहा, हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने जो कहा है वो ज़रूर करेंगे। और हमने तो नवरात्र में जो पूजा की, कलश की स्थापना हमने की, कलश का स्थापना करने के वक्त संकल्प लिया जाता है, हमने संकल्प लिया है। बस एक मौका बिहार की जनता हमको देगी
तो 10 तारीख को बाद 10 लाख रोजगार लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथी जो जुड़े हैं, और ये नौकरी संवाद हमको लगा कि एक महत्वपूर्ण पहल है जो लोगों तक बातें जानी चाहिए। हम विपक्ष में होके भी सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सत्ता में बैठ करके मुंह चुराने का काम कर रहे हैं, मुंह फेरने का काम कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। शुक्रिया आप सभी साथी, शुक्रिया नेता प्रतिपक्ष। ये जो नौकरी संवाद से इस प्लेटफॉर्म से ये पहला संवाद है। जल्द ही फिर नेता प्रतिपक्ष आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर बिहार के साथ बात करेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नव युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। निर्बल निर्धन कमजोरों और मजबूरों का साहस है, अधिकारों और न्याय की खातिर लड़ने वाली ताकत है। मजदूर किसान और नौजवान का यही हौसला हिम्मत है, जन जन का उत्थान करे अब यही बिहार का जनमत है। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें, इस बार तेजस्वी भव बिहार।
लो अम्मा, लो अम्मा मिठाई खाओ, मुझे नौकरी मिलने वाली है। कुछ नया बता, पिछले कई सालों से तो यही सुनती आ रही हूँ। अम्मा जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अच्छा? हाँ, तेजस्वी ने कहा है कि पहले ही दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इस बार तो नौकरी तय है, क्योंकि इस बार तेजस्वी तय है। बोले बिहार बदले सरकार। महक साहब, हम एक दो महीने ही काम कर पाएंगे, हम वापस बिहार जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहीं रोजगार मिल रहा है। अरे ये तो मैं पिछले 15 साल से सुनता आ रहा हूँ, सरकार ने आज तक तो कुछ दिया नहीं। इस बार तेजस्वी ने वादा किया है कि वो बिहार में उद्योग लगाएंगे और रोजगार लाएंगे। इस बार रोजगार तय है, क्योंकि इस बार तेजस्वी तय है। बोले बिहार बदले सरकार। महागठबंधन को वोट दें।